अस्सलामुअलैकुम, PK24 जो आपकी तरफ से मैं हूँ इस्माइल अब्बास। दोस्तों, MES मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज का ये जो अखबार इश्तहार आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अखबार इश्तहार रियल है या फेक, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जो अखबार इश्तहार आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है, ये अखबार इश्तहार 2021 का है या 2022 का है। दोस्तों, YouTube के ऊपर बेशुमार वीडियोस अपलोड हो रही हैं इन दिनों के अंदर के MES के अंदर न्यू भर्ती आ गई है, और कुछ लोग ये वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं कि MES के अंदर कोई न्यू भर्ती नहीं आई है। ये जो अखबार इश्तहार वायरल हुआ है ये फेक अखबार इश्तहार। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ हकीकत शेयर करूंगा, लेकिन अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल PK24 जॉब्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है ऐसा लाजमी प्रेस कर दें ताकि ऐसी कोई भी जॉब की अपडेट हो तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले दोस्तों अखबार इश्तहार को ओपन करते हैं, और मैं दोस्तों आप लोगों को बताता चलूं कि ये अखबार इश्तहार फेक है। 2022 के अंदर MES की कोई भी न्यू भर्ती नहीं आई है। दोस्तों, इस अखबार इश्तहार को अगर जो 2021 के अंदर MES का अखबार इश्तहार आया था उसके साथ मैच किया जाए तो ये दोस्तों अखबार इश्तहार मैच होते हैं, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, तो इससे भी पता चलता है कि यह अखबार इश्तहार फेक है। और दूसरी दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप MES की वेबसाइट के ऊपर जाएं और वहां पर आप चेक करें तो आपको कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा कि MES के अंदर न्यू भर्ती आ गई है 2022 की, या आपको वहां पर 2022 का MES का एडवर्टाइजमेंट भी नहीं मिलेगा। तो ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर MES की वेबसाइट के ऊपर आपको कोई भी जॉब का एडवर्टाइजमेंट नहीं मिल रहा तो इससे ये साबित होता है कि MES के अंदर अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है। सोशल मीडिया के ऊपर ये जो अखबार इश्तहार वायरल हो चुका है ये फेक है। बाकी अगर दोस्तों आप YouTube के ऊपर भी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह अखबार इश्तहार फेक है या रियल। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यह अखबार इश्तहार फेक है। अगर किसी को लगे कि यह अखबार इश्तहार रियल है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की यह छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक दीजिए। इस्माइल अब्बास को इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।